अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमैर आबिद गेम्स लॉन्चर की जानिब से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं GTA San Andreas में सेशन क्रिएट मोड, और इस वीडियो में मैं आपको इस मोड की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा और इसका गेम प्ले दिखाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको इसका गेम प्ले दिखाने लगा हूं। तो मोड हमारा यहाँ पर एक्टिव ऑटोमेटिक है, लेकिन हमें यहाँ पर सेशन क्रिएट की स्किन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको चीट मेन्यू दिया है, यहाँ पर आपने कंट्रोल और सी प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ से सबसे नीचे चले जाना है, फिर आपने स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ से स्किन सिलेक्टर में। स्किन सिलेक्टर में जाने के बाद यहाँ से आपने लगातार लेफ़्ट कंट्रोल बटन प्रेस करना है, और तकरीबन 10वें या 11वें नंबर पे हमें सेशन ग्रेड की स्किन मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने वीडियो पोज कर दी थी, मुझे स्किन मिल गई है। तो ये स्किन मिल गई है, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए आपने सिंपल आगे की तरफ चले जाना है और ये स्किन सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको इस मोड में नक्शा दिया है सेशन क्रिएट का, तो वो मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप में यहाँ पर आके आपने स्क्रॉल कर लेना, इस जगह पे आके आपने मार्क कर देना, तकरीबन इस जगह पे। यहाँ पर सेशन क्रिएट का नक्शा है, मैप है। तो अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर हम प्लेन ले लेते हैं, कंट्रोल सी में जाकर यहाँ पर हम चले जाते हैं स्पॉम व्हील्स में। यहाँ से स्पेस प्रेस करना है, तो यहाँ से हम ये बीगल ले लेते हैं। तो ये आ गया, ये खराब हो गया यार। तो यहाँ पर मैंने प्लेन मंगवा लिया किसी और प्लेस पर आके, वहाँ पर प्लेन नीचे जा रहा था बार बार। तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँचूँगा, क्योंकि प्लेन मेरा ख़राब हो गया। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। अब मैंने आपको इस मोड के इंस्टॉलेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर सेशन क्रिएट मोड की विंड्रार फाइल हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले आपने इसको राइट क्लिक करके एग्जैक्ट हेयर कर लेना है। ये हमारे पास एग्जैक्ट हेयर हो गई है, ये आपके पास फोल्डर मौजूद है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और सिंपल मेथड है इंस्टॉलेशन का, ये जितनी भी फाइल्स आपको दी गई हैं सारी फाइल्स आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद GTA San Andreas का शॉर्टकट आपके पास मौजूद होगा डेस्कटॉप पर, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और इसकी फाइल लोकेशन में चले जाना है, और यहाँ पर इस मोड को सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने रिप्लेस भी कर देना है। मोड हमारा अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है GTA San Andreas का, तो जहाँ से आप अपनी GTA San Andreas रन करते हैं वहीं पर जाके आपने इस मोड को पेस्ट करना है।
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। गेम प्ले भी मैंने आपको दिखा दिया और इंस्टॉलेशन भी बता दी है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए मोड के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।